यानी कि हमारे बेडरूम में, हमारे घर में जिन कलर्स का, ओ गॉड, वो हमारी पर्सनालिटी पर, पर्सनालिटी पर करता है। अब मिसाल के तौर पे जो रेड है वो फायरी है, ठीक है ना, फायरी कलर है ना, मतलब एग्रेशन लाता है ना। अब बुल भी होता है तो देख के रेड के पीछे भागता है बुल पे। मार्स क्या कहते हैं है फायरी, जंगजू, लड़ाका, एनर्जी, एक्टिव, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा दुल्हनों के कपड़े भी रेड, ठीक है, बुल भी रेड के पीछे भागता है। अच्छा एनर्जी है तो स्टेशन पर जाए तो कुली भी वो रेड रंग के पहने होते हैं। आई डोंट नो कि कलर थेरेपी इतनी इफेक्टिव है और वो आपको इतना हेल्प आउट कर सकती है हमारी जो डेली रूटीन है या जो हमारी लाइफ है उसमें, जो मुख्तलिफ जैसे कि नींद ना आना हो गया, डिप्रेशन या एनजाइटी से फाइट करना हो गया, विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज, जिससे हर बंदा ही मेरे ख्याल से कि आजकल स्ट्रगल करे। तो कलर थेरेपी और जो हमारा जोडियक साइन है, बेसिकली ये आपस में रिलेट कैसे कर सकते हैं और कलर थेरेपी से क्या फर्क आएगा इन सारी हमारी मामूलाती जिंदगी में और कितना इफेक्टिव है, इस पर बात करने के लिए वी हैव एक्सपर्ट इन आवर स्टूडियोज। जनाब हमारे साथ सैयद अजीम जाफरी, इज अ फेमस एस्ट्रोलॉजर और कलर थेरेपिस्ट, उनसे हम बात करते हैं। सर गुड मॉर्निंग एंड अस्सलाम वालेकुम। मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। मुझे सबसे पहले बताएगा कि हमारा जोडियक साइन और कलर थेरेपी ये कैसे आपस में लिंक्ड है या रिलेट करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, जब एक बच्चा पैदा होता है ना तो उसका डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिया जाता है, क्योंकि लॉन्गिट्यूड लेटीट्यूड होता है हर इलाके का, हर शहर का, हर कंट्री का। उससे हमारा असेंडेंट निकलता है। असेंडेंट होता है कि आप इतने बज के इतने मिनट पैदा हुए तो आपका ये स्टार बना। फिर देखा जाता है मून किस घर में था, वो होता है मून साइन। हम जो जनरली बात करते हैं कि जी मैं कैप्रिकॉर्न हूँ, मैं टॉरस हूँ, वो हम सन साइन पर बात करते हैं। मून हमारे से नज़दीक है। जब भी देखा होगा आपने लो टाइड्स हाई टाइड्स होती हैं, क्यों होती है कि जब वो चौदहवीं चांद का समंदर की रेज आ रही होती है तो वो समंदर भी उठ जाता है। ऐसे ही कभी आपने नोट किया होगा हमारा मूड भी, ठीक है ना, बेकार आज अच्छा मूड नहीं है, क्यों नहीं है कि वो मून की पोजीशन हमारे जो हॉरोस्कोप में डाल रहा है वो नेगेटिव डाल रहा है तो नेगेटिव इफेक्ट होंगे, पॉजिटिव डाल रहा है तो आप कहेंगे हाँ आज बहुत अच्छा फील हो रहा है, कहीं गए भी नहीं, घर पर भी हैं तो मज़ा आ रहा है, क्यों होता है। ऐसे ही हमारी लाइफ में कलर्स का इम्पैक्ट आता है, क्योंकि आपने देखा होगा हर जगह कलर्स हम पहनते हैं, हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं, हर चीज की इम्पोर्टेंस है। यानी कि हमारे बेडरूम में, हमारे घर में जिन कलर्स का, ओ गॉड, वो हमारी पर्सनालिटी पर, पर्सनालिटी पे करता है। अब मिसाल के तौर पे जो रेड है वो फायरी है, ठीक है ना, फायरी कलर है ना, मतलब एग्रेशन लाता है ना। अब बुल भी होता तो देख के रेड के पीछे भागता है बुल पे। ब्लैक नहीं, ब्लैक जो है सैटर्न का है और जो है रेड, रेड या किरमिजी जो है ये एरीज का है, मार्स से रिलेटेड। तो ये क्या इफेक्ट लेकर आएगा। अच्छा अब जो वो है ना मार्स क्या कहते हैं है फायरी, जंगजू, लड़ाका, एनर्जी, एक्टिव, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा दुल्हनों के कपड़े भी रेड, ठीक है, बुल भी रेड के पीछे भागता है। अच्छा एनर्जी है तो स्टेशन पर जाए तो कुली भी वो रेड रंग के पहने होते हैं। अच्छा तभी हमने एक चीज नोटिस की होगी, अब आई डोंट नो आप उस पर वो मजीद बताएंगे, कि जब हम किसी के अगर ड्राइंग रूम में एंटर होते हैं और जो बहुत ही ग्रेश या वाइटिश टोन में होते हैं या बहुत बेज टोन में होते हैं, तो एक वैसे ही आपका माइंड थोड़ा सा यू नो रिलैक्स हो जाता है आप इजी। जबकि अगर आप बहुत किसी ऐसे घर में दाखिल हो जहां पर आपको शार्प नेवी ब्लू या रेड सोफा या ब्लैक लग रहे हैं, तो वैसे ही उस जगह पे आपको कुछ देर के बाद एंजाइटी और एक बेचैनी सी महसूस होगी। होती है ये इसी वजह से होती है कि जो वो ब्लैक है ना वो स्लो है, सैटर्न जो सितारा है उससे रिलेटेड है ये ब्लैक कलर, वो स्लो है तो वो सुस्ती भी लाएगा, वो आपको डल भी करेगा और एक नेगेटिविटी भी लाएगा, क्योंकि सैटर्न जो है ना एक नेगेटिव बहुत हो जाता है, मुफलिसी भी लाता है, गुर्बत भी लाता है सैटर्न का, कहीं कहीं अच्छा भी है, कहीं कहीं बहुत उसके वो भी हैं वर्स्ट, उसके वो भी हैं इफेक्ट्स। तो आप कभी किसी रेस्टोरेंट में देखें आपको बड़ा मजा आएगा, खाना बेशक अच्छा ना हो आप कहें बड़ा मजा आ रहा है मुझे यहाँ, कहीं आप चले जाएंगे खाना टेस्टी होगा आप कहेंगे अजीब घुटन सी, वो लाइट भी डिम सी, आप कहेंगे अजीब, और आप खा के निकलेंगे। अच्छा तो सर हम ये कर सकते हैं ताकि हमारी जितनी ऑडियंस देख रही है उनकी आसानी के लिए, आई होप सो कि हमारे पास टाइम तो अभी होगा, तो हम हर एक स्टार के अकॉर्डिंगली उनको कलर बताते हैं कि उनको अपने घर में, अपनी ड्रेसिंग में या अपनी ज्वेलरी में या हमारा बैग भी हम कैरी करते हैं, इसीलिए आपको तकरीबन 2 घंटे का शो चाहिए। ओह गॉड, हम कोशिश करेंगे कि हम जरा क्विकली रैप अप करें। तो स्टार्ट करते हैं हम हमारे पहले स्टार से, व्हिच इज एरीज। एरीज, एरीज वाले जो है ना देखें, अगर वो ट्यूसडे को, वैसे तो मैं जो सजेस्ट करता हूँ हमेशा ट्यूसडे का करता हूँ, अच्छा। कि एरीज वाले ट्यूसडे को एटलीस्ट रेड पहने, ओके, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद रेड सदका भी दें, रेड में मीट बीफ जो भी मिले, रेड कपड़ा दे दें, रेड चूड़ी, रेड कुछ भी रेड दें, नंबर एक चीज। फिर आप आ जाए टॉरस, ठीक है, टॉरस वालों का होता है स्काई ब्लू या पिंक, ये होता है।
ये लोग फ्राइडे को पहने स्काई ब्लू पिंक, और इसमें इनको ये रेमेडी जैसे अगर कोई नेगेटिविटी है, कुछ काम रुक रहे हैं, क्योंकि स्टार्स की जब आपकी अपने असेंडेंट स्टार की नेगेटिविटी होगी ना, आप में रुकावट आएगी कामों में, आपका आप शो भी कर रहे होंगे तो आप कहेंगे आज मज़ा नहीं आया मुझे, और किसी दिन आप कहें हाँ आज बड़ा मज़ा आया, तो वो नेगेटिविटी होती है। तो उसके लिए सदका, आपने जुमे को जैसे स्काई ब्लू पिंक पहना है तो उसके लिए सदका होगा चावल, टूटा चावल, बॉयल्ड राइस वैसे किसी को दे दें, बर्ड्स को डाल दें। फिर आ जाएगा हमारा थर्ड जेमिनाई, जेमिनाई को होता है ग्रीन, व्हाट यू आर वेयरिंग नाउ, यस एमरल्ड ग्रीन, लाइट ग्रीन, ठीक है ना, पेस्टल ग्रीन, व्हाटएवर, वो ग्रीन होता है, उसका सदका होता है ग्रीन चीज का, लाइक हरी दाल, हरी सब्जी, यस हरी दाल, हरी सब्जी, और हरा नोट, हाँ 10 रुपए का वाला, यस हरा नोट, ठीक है ना, वो हो गया। अब आ जाए कैंसर पे, कैंसर का होता है व्हाइट कलर, ठीक है ना, अच्छा वो ग्रीन जो पहनना है वेनेसडे को पहनना है, वेनेसडे के लिए, हाँ अच्छा व्हाइट होगा हमारा कैंसर, कैंसर वालों का व्हाइट पहने और मंडे के दिन पहने और दूध या पानी का सदका दें वो। अच्छा ये जो कलर्स आप साथ साथ बता रहे हैं, यूजुअली नॉर्मली इन कलर्स का अगर ज्यादा इंतखाब करेंगे अपने सराउंडिंग्स में तो उनके लिए अच्छा होगा। अब मैं आपको बताता हूँ, अब जो उसके एंटी होगा ना, कैंसर के एंटी है सैटर्न, ठीक है ना, अब आप बार बार एक ही को करेंगे ना तो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगी, ठीक है ना, सेट यानी कि कैंसर जो है उसको एरीज में वो है डेविलेशन है, वो एक बड़ी एस्ट्रोलॉजी बता डेविलेशन है, तो वो अगर आप ट्यूसडे को पहनेंगे ना तो वो उसका क्या कहते हैं बैकफायर हो जाएगा, ठीक है ना, उल्टी तार लगा दें तो करंट स्पार्क होगा, तो ये भी होता है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ एटलीस्ट ज्यादा रिस्क ना लें, मंडे के मंडे जाएं वाइट। फिर आ जाए लियो पहने आप बेज क्रीम कलर, हाँ। ठीक है ना, ये करें, ठीक है, और डे है संडे, ऑरेंज ऑरेंज पहन सकते हैं खवातीन। और सदका किस चीज का करें, सदका करें बाजरे का आटे का बाजरा, ठीक। नाउ जनाब हम बात करने वाले हैं वर्गो यानी के सुम्बला के बारे में, वर्गो वालों का होता है ग्रीन कलर वेनेसडे, जैसे आपने ये शर्ट पहनी है इस तरह ग्रीन कलर वेनेसडे और ग्रीन ही सदका, जैसे जेमिनाई का है ना जी, सेम ऐसे ही समझ लें, वेनेसडे ग्रीन, ग्रीन सदका, ठीक है। उसके बाद आता है लिब्रा, लिब्रा का होता है पिंक, ठीक है, तो बहुत अच्छा है वैसे, हाँ पिंक ही रखें बल्कि, और फ्राइडे, और वही सदका जो टॉरस का बताया था चावल इस तरह, ठीक है। फिर आ जाए स्कॉर्पियो बुर्ज अक्रब, ठीक है, उनका होता है ट्यूसडे को मंगल वाले दिन रेड शर्ट कपड़े कमीज चाय, और क्या कहते हैं ये नहीं होता मुर्गी की कलेजी, गाय की, बकरे की गोश्त, जो भी मिले, ये चील कौवों को, बिल्ली कुत्तों को कहीं भी ना सदके के तौर पे, ये आप 7 दफा उल्टे हाथ से लेके 7 दफा। अच्छा ये जिन कलर्स का हम जिक्र कर रहे हैं हम ही कर सकते हैं कि हम अपने नाइट एनवायरनमेंट में हमारे लैंप्स पे भी इन कलर्स का चुनाव नहीं करना, ये सिर्फ पहनने के लिए, सिर्फ अगर रखना है तो बिल्कुल वो नहीं होता जीरो के वो जो नाइट बल्ब आते हैं वो ग्रीन या स्काई ब्लू, बस इन दोनों में से दो में से एक, हाँ स्काई ब्लू करेंगे तो फाइनेंशियली गेन्स होती है, ठीक है, और ग्रीन करके सोएंगे तो वैसे एक रूहानियत में बहुत इजाफा होगा, यानी कि एक साइड पे ब्लू कर ले और एक साइड पे ग्रीन कर ले, एक ही रखें ताकि दोनों जो है वो। अच्छा जी आप बता रहे थे स्कॉर्पियो भी हो गया हमारा, रेड हो गया, मंगल को सदका हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारा है सेजिटेरियस, उनका होता है डे थर्सडे, कलर येलो, ओके ठीक है, और सदका भी कोई येलो, हल्दी, येलो चने की दाल, मैंगोज येलो, वो डोनेट कर दें चाहे एक ही कर दें, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आ जाए आप कैप्रिकॉन, उसका डे है सैटरडे, कलर है ब्लैक, ग्रे, पर्पल, ठीक है, ये तीन कलर में से आप सैटरडे को पहन सकते हैं, ठीक है, कैप्रिकॉन एक्वेरियस वाले बल्कि पर्पल पहने, पर्पल वो ब्लैक पहने कैप्रिकॉन वाले, ठीक है, ब्लैक और ग्रेइश, ठीक है एक्वेरियस वाले सैटरडे को ही वो पर्पल पहने, ठीक है अच्छा ये मैं बता दूं, ये कोशिश ये करें जिनका मून साइन या असेंडेंट है हम उस पर ज्यादा चलेंगे, ठीक है, क्योंकि सन साइन पे अगर आप गए तो उस पे फिर आपका अगर मून और असेंडेंट गलत निकला तो फिर वो कॉन्ट्राडिक्शन आ जाएगा, फिर वो बैकफायर हो जाएगा, ठीक है, या तो ना करें, मैं कहता हूँ रेमेडी या तो ना करें, ठीक है। और अच्छा, लास्ट है पाइसिस का, वो ये जुपिटर का थर्सडे येलो, ठीक है ना, अच्छा येलो कर लें और साथ में एक ऐड कर लें पाइसिस में ब्राउन, ठीक है। अच्छा सर ये भी बताइएगा, ये तो हमने सारे कलर्स वगैरह बताए, अब बताइएगा कि आधा साल तो हमारा अब गुजर चुका है, बाकी के जो 6 महीने हैं कौन से स्टार्स के लिए बड़ा जो है वो चैलेंजिंग हो सकता है या मुश्किल ये हो सकता है? देखें इस वक्त जो है ना जिनका मून साइन कैप्रिकॉन है और नहीं यू स्टार्ट करते हैं जिनका मून साइन सेजिटेरियस है, मून साइन बता दूं सबको,
जिस दिन आप पैदा हुए मून किस घर में था हॉरोस्कोप में, अगर आपको सपोज टाइम अच्छा, नहीं याद, ये भी बता दे हमारी ऑडियंस को कि मून साइन हम बड़ा इजीली अब गूगल पे कुछ इस तरह की एप्लीकेशंस हैं जहां पर यूज़ आप डालें, अब तो एप्स आ गई हैं मोबाइल पे, बिल्कुल जस्ट पुट योर डेट ऑफ बर्थ टाइम ऑफ बर्थ प्लेस ऑफ बर्थ मतलब सिटी, वो आपको बता देगा मून मून मिसाल के तौर पे पांच नंबर पे तो एरीज, एक नंबर पांच नंबर पे तो लियो, एक नंबर पे तो एरीज, वो बता देगा एरीज में मून, तो उसके हिसाब से आप करें तो ज्यादा अच्छा होगा। अच्छा हम क्या बात कर रहे थे कि अब ये किसका जा रहा है, अब सेगिटेरियस जिनका मून साइन है, जिनका साइन कैप्रिकॉन है, जिनका साइन एक्वेरियस है, इन पर चल रही है सारसती। सारसती, सारसती लोग आपको डराएंगे भी मगर मैं सारसती के बारे में थोड़ा सा, साढ़े सात साल आपको साड़ के रख देती है इसकी सारसती, ठीक है ना। वो तीन फेज होते हैं, ढाई साल ढाई साल ढाई साल, पहला फेज फाइनेंशियली आपको क्राइसिस में लाएगा, सेकंड फेज आपको इमोशनली डिस्टर्ब रखेगा, थर्ड जो है वो ना नुकसान ना फायदा, बस वो नॉर्मल सा रहेगा। अच्छा कुछ लोग इसे डिनाई भी करते हैं एस्ट्रोलॉजी में सारसती से, वो करते हैं करते रहे हैं। अच्छा ये सारसती जिनके जिन स्टार्स पे है उससे कोई रेमेडी या कोई, हाँ, बिल्कुल है वो अगर आप बताइएगा। हाँ, अब जो सारसती इसके अंडर जाए ना उनको तो चाहिए कोई बड़े, एक तो वो ना ले मेजर डिसीजन ना ले, मिसाल के तौर पर सारसती किसी ने शादी कर ली वो चलेगी नहीं। अच्छा अच्छा अब बिलफर्ज आप कहते हैं नहीं फलां की तो चल गई, तो उनसे पूछ लीजिएगा, वो कहेंगे नहीं हाँ वाकई साढ़े सात साल तो बड़ी टेंशन में रहे हम, उसके बाद हम सही हुए। अच्छा वो भी साढ़े सात साल में पहले ढाई साल फाइनेंशियली क्राइसिस में रहे होंगे वो कपल, सेकंड में इमोशनली लड़ाई झगड़े हुए होंगे, थर्ड में उनको रिलीफ या यूं कह लें कि थोड़ा सा वो हुआ होगा, चलो जी अब जो गुजरी गई अब गुजार लो जितनी है, ये होता अच्छा, है। अच्छा हमने ये भी सुना है कि ये जो सारसती है कुछ लोग इसके डिनाइल में आते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं ये जो है इट्स नॉट अ मिथ, तो ये क्या हर शख्स की जिंदगी में दो बार आती है या किसी की जिंदगी में कई बिल्कुल भी नहीं आती है? अब ये आती है एवरी 30 इयर्स। Okay. तो अब अगर कोई 60 साल का है तो उसकी तो दो दफा आ गई, मगर डिपेंड करता है, लेकिन सबकी लाइफ में आएगा ये टॉप आएगा time. आएगा okay. अब डिपेंड करता है कि वो जो पहली आई तो वो तो उसको उस वक्त 30 साल की उम्र में आई, फिर दूसरी 60 पे आई ना, ठीक है, या दूसरी 53 पे आई तो 60 पे जाके कंप्लीट होगी, पहली अगर आई तो वो बच्चा था, बच्चा तो होता है उसके अपने स्टार्स नहीं चल रहे होते, वो तो गाइडेड मिसाइल होता है जिधर बच्चे अम्मा ने मोड़ दिया अब्बा ने मोड़ दिया चल रहा है, एक्चुअल होती है जब आप अपनी लाइफ में खुद कमा रहे हैं, खुद पढ़ रहे हैं, अपने डिसीजन, जब आप पे ये स्टार्स इफेक्ट होना शुरू होते हैं उस वक्त तक तो आप बस एक रोबोटिक, हाँ सुबह उठ जाओ चले जाओ ये। अच्छा इसकी रेमेडी, अब रेमेडी क्या है, एवरी सैटरडे कुछ चीजें हैं मैं बता दूं कि वो आपने सदका करना है, एवरी सैटरडे क्योंकि ज़ुहल सैटरडे का दिन है, किसी भी ज़ोडियक साइन से सैटरडे करेंगे बस, नहीं नहीं वो हो सारसती में, ओके ठीक है ना, मगर उसका चाहे वो सैगिटेरियस है चाहे वो कैप्रिकॉन है चाहे वो एक्वेरियस है, बट रेमेडी एक ही है, रेमेडी क्या है, सैटरडे को कोई काली चीज का सदका, ठीक है। अब आपके जहन में आता है हमारे यहाँ जो एक आम वो चीज, हम तो काला बकरा देते हैं, हाँ। मैं कह के थक गया चैनलों पे कि भाई काला बकरा उसकी खाल है वो अंदर से रेड ब्लड है रेड मीट है उसका, उसको मत दो वो बैकफायर करेगा, वो काले बकरे की जान नहीं छोड़ती हमारे को, ठीक है, वो मंगल को नजर के लिए भी फौरन से पहले हम काला बकरा सबसे पहले देते हैं, काला नहीं वो तो है ही पूरा रेड, वो तो खाल आगे कसाई साइड में रखता है, ठीक है ना, तो वो रेड बाट भी रहे गोश्त तो रेड है, ब्लड भी निकल रहा है तो रेड है। अच्छा वो सिर्फ दें आप ट्यूजडे को, ठीक है याद रखें। अच्छा क्योंकि मंगल मार्स का है ना तो बकरे का सदका ट्यूसडे को। अच्छा अब आ जाएं आप सैटरडे को क्या देना है हमने, काली चीज, काला कपड़ा, काली दाल, बहुत एक अच्छी रेमेडी बता रहा हूँ। अब ये मैंने ब्लैक शूज पहने हुए, ठीक है, आपने ऐसी दो चप्पल ले ली दो पट्टियों वाली काली, एक दो दो दिन दो दिन तीन दिन घर पे पहने और बाहर किसी बैगर्स को इधर उधर ऐसे जाएं जहाँ हो उसको दे दें सैटरडे के दिन। फिर सैटरडे की होती है आपने जैसा भी फरमाया काली दाल, काला कपड़ा, काला सुरमा, काली चूड़ियां, काली चप्पल, काला जूता, ठीक है ना, काली बेल्ट, जो आपके जहन में आ रहा है काली चीज, ठीक है ना। सबसे आसान तो ये है कि अगर आप काली दाल का सालन बनाकर या काली दाल या काले चने, खुद काले चने, काले दे चने सकते हैं। यस बहुत अच्छा है। इजीएस्ट अगर मैं आपसे कहूँ तो सबसे इजीएस्ट यही होगा। एक और भी होता है क्या कहते हैं ये सरसों का तेल नहीं होता, ये भी एक रेमेडी है सैटर्न की। अच्छा हाँ और अच्छा, एक और ये क्या करेगा? अच्छा एक और मैं आज आपको एक ऐसी रेमेडी बताता हूँ, आसान करेगा जी रेमेडी बताएगा। एक ऐसी रेमेडी जो बहुत मैंने किसी चैनल पे कभी बताई थी आज से 10-12 साल पहले, फिर दोबारा बता रहा हूँ, सैटरडे को आप एक प्लेट लें उसमें सरसों का तेल डालें, फिर वो जब ऐसे ही हो जाएगा ना, ठीक है ना, तो उसमें आप देखेंगे तो आपका अपना चेहरा नजर आएगा नेचुरली, जैसे पानी में आता है अक्स आपका, ऐसे ही उस ऑयल में आपका अपना चेहरा नजर आएगा।
आपने रात के घर में रोटी है, ब्रेड है, कुछ भी है, उसको छोटे छोटे पीसेस किए, उसको उसमें अब्सॉर्ब किया, ठीक है, ऑयल को, और कव्वों के लिए ऐसी जगह पे रख दें, घर का लॉन है, छत पे रख सकते हैं, छत पे रख दें, कव्वे खाएंगे, सैटन, कव्वा सैटन है, ब्लैक होता है, ठीक है ना, अगर आप उसको फीड देंगे सैटरडे को ऑयल की, तो आप देखें सार सती आपके ऐसे गुजरेगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। सिर्फ सरसों के तेल में रोटी के टुकड़े मिक्स करके आपने पहले देखना है, ठीक है, अच्छी तरह चेहरा देखा, उसमें बाद फिर रोटी के पीसेस किए, ठीक है, वो उसको करके ऐसी जगह पर रख दी जाए, ठीक है। अच्छा, ये रेमेडी क्या, वैसे भी जो लोग जो लगता है कि अगर कोई ये सैटन की है, सैटन की रेमेडीज करने से आपके जॉइंट्स प्रॉब्लम, अच्छा, लोगों से चला नहीं जाता या बहुत अच्छा, दुख वो रहता है, बोन्स के प्रॉब्लम, टूथ प्रॉब्लम, दांतों से रिलेटेड, ठीक है ना, ठीक है, ये सैटन से रिलेटेड बीमारियां हैं, अच्छा, ये ठीक होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब थोड़ा सा हम जरा जिक्र कर लेते हैं, चूंकि मैं बार बार बात करती हूँ हमारे शोज में, कि क्योंकि एक दौड़ सी चूंकि लगी हुई है, हर बंदा एक रेस का हिस्सा है, डिप्रेशन है, एंजाइटी है, पैसा कमाने का एक चार्म है, उसमें आप हर शख्स यू नो एक फाइनेंशियली एक स्ट्रेस में है, डिप्रेस्ड है, तो कल इसके लिए भी पहले तो पूछे क्यों है, क्यों है सर, वो ये नहीं देख रहा है कि भाई जितना मिलना है मिलना है, मौला अली का कॉल हजरत अली का है कि वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा, जब वैसे के लिए हम देख रहे हैं ना कि छोटे भाई को इतना मिल गया, पड़ोसी की ये वाली गाड़ी आ गई, आप खुद अपनी सेहत खराब कर रहे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ा, मेरी प्रमोशन क्यों नहीं हो रही, जब होना होता है तो बैठे काम हो जाता है, आपको उसके लिए प्रेफर्ट भी नहीं करनी पड़ेगी। मैंने जिंदगी में जो मुझे मिला ना मेरे अल्लाह ने बैठे बैठे दिया, ठीक है ना, चाहे बाहर किसी गवर्नमेंट जॉब पाकिस्तान से बाहर ऑयल कंपनी में, तो मुझे वो अल्लाह के प्लान के तहत हुए, हमारे प्लान पे नहीं हुआ, ऐसे मिली कि मुझे सीवी दो किसी ने कहा, मैंने कहा दो, मैं कहा कहां मुझे यहां गवर्नमेंट जॉब में, वो हो गई मेरी। अच्छा, फिर भी मैं कहती हूं कि फिर भी ये अपने बस में नहीं है, वैसे तो आपको टिप दे दिए कि भी स्टॉप कंपैरिजन, लेकिन फिर भी जो लोग उसे उसका भी बता देता हूँ, छोड़ दें आप टेंशन नहीं लें, 10th हाउस को एक्टिवेट रखना हमने, अच्छा, 10th हाउस आपका प्रोफेशन है, अच्छा, आपकी इज्जत है, आपकी वो है, तरक्की है, नहीं फाइनेंस इज सेकंड हाउस, ठीक है, 10th हाउस को जो एक्टिवेट, सेकंड हाउस को एक्टिव रखेंगे तो 10th हाउस ऑटोमेटिकली, नहीं 10th को रखेंगे तो सेकंड को एक्टिवेट होगा, क्योंकि जितना आप ऊपर जाएंगे उतनी आपकी सैलरी और आपकी इनकम बढ़ेगी, ठीक है ना, तो आपने 10th को एक्टिवेट रखना है, उसके बाद सेकंड अब एरीज वाले 10th को रखने के लिए सैटरडे को काली चीज का सदका, टॉरस वाले 10th को रखने के लिए सैटरडे को काली चीज का सदका, जेमिनी वाले थर्सडे को येलो चीज का सदका, कैंसर वाले ठीक है 10th का सदका, मंगल को गोश्त का सदका, लियो वाले जुमे को टूटा चावल का सदका। अमेजिंग, थैंक यू सो मच अजीम साहब, बाकी टाइम बहुत कम रह गया था लेकिन बातें बहुत ज्यादा थी जानने वाली।